हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल देव ऑनलाइन हेल्प। दोस्तों, MP ITI एडमिशन 2021-22 की मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। अब आप अपना सीट आवंटन या सीट अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करोगे एंड डॉक्यूमेंट आपको किस प्रकार से अपलोड करना है अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए, तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल देव ऑनलाइन हेल्प को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए या फिर सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने किसी ब्राउजर को ओपन करके गूगल पर आ जाना है। इसके बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है ITI MP Online। इतना आपको टाइप करके सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने एक फर्स्ट वाली लिंक आ जाएगी, ITI.MPOnline.gov.in। आपको इस फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से न्यू इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर ITI काउंसलिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से न्यू टैब ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा। आप देख सकते हैं CTS ऑनलाइन काउंसलिंग वाली सेक्शन में आप आएंगे तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपको मिलेगा चयन सूची फर्स्ट राउंड, यानी कि प्रथम चरण की जो चयन सूची है वो जारी हो चुकी है। 14 अगस्त 2021 से लेकर 18 अगस्त 2021 तक आप इस लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा यहाँ क्लिक हियर के ऑप्शन पर। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से न्यू इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको स्टूडेंट का एप्लीकेशन नंबर इंटर करना है, ठीक है, जो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर प्राप्त हुआ था। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे और यहाँ पर आपने जो ऑनलाइन पासवर्ड क्रिएट किया था चॉइस फिलिंग के लिए, वो पासवर्ड आपको यहाँ पर इंटर करना है। तो चलिए हम सारी डिटेल यहाँ पर इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी इन्फॉर्मेशन जो है फिल कर दी है, पासवर्ड भी यहाँ पर फिल कर दिया। इसके बाद स्क्रीन पर जो कैप्चा कोड शो कर रहा है 1+7, इसे टोटल करके यहाँ पर फिल करेंगे आंसर बार बॉक्स में। फिल करने के बाद आपको गेट डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप गेट डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर फोटो सिग्नेचर आपको देखने को मिलेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे अब आप, तो नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आपको मिलेगा, देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। यहाँ पर आपको जो मूल निवासी प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना है और अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट है तब आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट या फिर आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा और आपका जिस भी कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है, तो मेरिट में आपको जो भी कॉलेज प्राप्त हुआ है उसका नाम आप यहां पर चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपका आवंटन शासकीय ITI लटेरी जिला विदिशा के कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि कोपा NCBT व्यवसाय में हो चुका है। क्या आप इस संस्था या व्यवसाय से अपग्रेड चाहते हैं? तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर आप मेरिट में आपको जो कॉलेज अलर्ट हुआ है अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तब आपको नहीं का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, और अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते आप अगले चॉइस फिलिंग के लिए जो है या फिर द्वितीय या तृतीय चयन सूची के लिए अपग्रेड करना चाहते हैं तब आपको यहां पर क्लिक करना होगा, जिससे आपका जो नाम है वो नेक्स्ट राउंड में या फिर नेक्स्ट जो चयन सूची आएगी उसमें आपका नाम आ सकता है। तो ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा प्रोसीड टू व्यू अलॉटमेंट लेटर। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे प्रोसीड टू व्यू अलॉटमेंट लेटर पर, इसके बाद आपके सामने आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आपकी फीस डिटेल्स आ जाएगी कि आपको कितनी फीस पेमेंट करनी है और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है अपने कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए जमा करनी है, ये सभी डिटेल आपको अपने व्यू अलॉटमेंट लेटर में आ जाएगी ओपन होकर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके भी दिखाने वाले हैं। तो फाइनली फ्रेंड, अभी हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट नहीं है, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना किस साइज में आपको अपलोड करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 KB से लेकर 200 KB की साइज में आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना होगा स्कैन करके। किस प्रकार से डायमेंशन आपको यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, हाइट और विड्थ, तो इसी में आपको कंप्लीट जो है अपना डॉक्यूमेंट ऐड करना होगा। तो इस प्रकार से आप अपना यहाँ से डॉक्यूमेंट अपडेट करके अपलोड करके और यहाँ पर सिलेक्शन करके इसके बाद अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते हैं कर सकते हैं।
यही था फ्रेंड एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू अपडेट के साथ। जय हिंद।